दिया है। सम्मेलन भदोही में अखिलेश की हुंकार, बीजेपी पर किया वार, सरकार को सुनाई खरी खरी। शिक्षक सम्मेलन भदोही पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमारे कराए विकास कार्यों का उद्घाटन के बाद भी उद्घाटन किया। इस सरकार के पास सिर्फ रंग बदलने, नाम बदलने और दूसरे के काम को अपना काम बताने के अलावा कोई काम नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव पिछली सपा सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं उनके मुद्दों पर लड़ेगी। उन्होंने सपा सरकार में कराए गए कई विकास कार्यों को गिनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने भदोही में कालीन उद्योग से जुड़े हुए निर्यातक और बुनकरों की बेहतरी के लिए एक दो नहीं बल्कि कई काम किए। देश के पास किसी चीज की कमी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज वही अस्पताल कर रहे हैं जो अस्पताल समाजवादी सरकार में बने थे। इन्होंने 7.5 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताएं कि कौन सा अस्पताल का शिलान्यास किया था और उसी अस्पताल का उद्घाटन किया हो तो हमें बता दो। अगर एक अस्पताल आपने दिया हो तो बता दो। एक बड़ा अस्पताल जो आपने शिलान्यास किया उसका उद्घाटन किया हो तो बता दो। हम तो कह रहे हैं फ्री लगाओ वैक्सीन, फ्री लगाओ। और कभी कभी आरोप लगा देते हैं कि आप नहीं लगवा रहे इसलिए बहुत सारे लोग नहीं लगवा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि हम समाजवादी लोग हैं, आप लगाइए स्टॉल, गांव गांव लाइए वैक्सीन। हम समाजवादी लोग मदद करेंगे गरीबों को वैक्सीन लगवाने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम समाजवादियों ने गरीब बच्चों के भविष्य को देखते हुए लैपटॉप बांटा। अभी सुनने में आया है कि ये सरकार स्मार्टफोन देने जा रही है। नौजवानों के पास स्मार्टफोन तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको लैपटॉप चलाना खुद नहीं आता है। भारत समाचार के लिए भदोही से संजय चौहान की रिपोर्ट। भदोही में अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि सरकार ने किसान से दोगुनी आय का वादा किया था, लेकिन आज हालात ये हैं कि किसानों की जेब में पैसा तक नहीं बचा है। अखिलेश यादव जी से बात करेंगे हम। सर, आज बड़ा बड़ा जो है वो सम्मेलन किया है आपने, यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में भीड़ आई है। देखिए, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जो जनता का रुझान दिखाई दे रहा है, वो यही है कि जनता बदलाव चाहती है और जनता को धोखा मिला। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बातें कही थी जनता के बीच में, उन सब वादों को भुला दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प भुला दिया। आज किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवानों की नौकरी रोजगार छिन रहे हैं, 69,000 लगातार वो शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनका आरक्षण छीना जा रहा है, संविधान ने जो अधिकार दिए उनको छीना जा रहा है। आज प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो जा रहा है प्रदेश और देश, उससे आखिरकार क्या भविष्य है आने वाले समय में? इन नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है अगर सरकारी संस्थाएं सब बिक जाएंगी। अब तो सरकार को केवल अपना खुद का ठेका देना है। जब सरकारी संपत्ति बेच दे रही है, सरकार हर चीजें बेच रही है, सरकार क्या अपने आप को भी ठेका चलाने पर दे देगी? सर, किसानों का समर्थन आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके बक्कल उतार लेंगे हम यहाँ पे लखनऊ आए तो। ये किसान आज नाराज और किसान अपनी मांगों को लेकर के मुजफ्फरनगर में इकट्ठा है और लाखों लाख की संख्या में है। अगर लाखों लाख किसान वहाँ इकट्ठा है, वो परिवर्तन की आवाज है। आने वाले समय में परिवर्तन किसान करेगा। और उसी तरीके से शिक्षक, नौजवान, बुनकर यहाँ इकट्ठा है, समाजवादी इकट्ठे हैं, दोनों तरफ उत्तर प्रदेश में उबाल है। आने वाले समय में परिवर्तन तय है, ये सरकार बचेगी नहीं, जाएगी। और वही सरकार जो सर्वेक्षण में जिन्हें 42% वोट मिल रहा है, वो एक कमरों में कार्यक्रम कर रहे हैं, हॉल में कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस सरकार को ये लग रहा है सर्वे में 42% वोट मिलेगा, वो एक ऑडिटोरियम में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सोचिए आप, चुनाव से पहले ये तमाम चीजें अपनाई जाएंगी, लेकिन जनता ने मन बनाया इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का। सर, भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और बसपा भी कर रही है। ये प्रबुद्ध सम्मेलन हॉल में हो रहा है, हॉल में। जिस पार्टी ने ये दावा किया है कि 42% वोट मिलेगा, वो एक
ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध का कार्यक्रम कर रहे हैं। सोचिए आप, इस बार वही बुद्धिजीवी लोग भारतीय जनता पार्टी की आंख खोलेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। अखिलेश यादव भदोही आए थे और इन्होंने एक जो है वो सम्मेलन को, रैली को एक संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, जो लोग प्रबुद्ध सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बंद कमरों में अपनी बैठकें कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का हुजूम देखा जा सकता है। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, भदोही।